कान शनवारी कढ़ाई अल्लाह हाफिज खुदा हाफिज। चलो पानी मेरा ऑलमोस्ट सूख गया है कढ़ाई का, मतलब कढ़ाई ऑलमोस्ट रेडी है। नाश्ते में हमारे पास चॉकलेट टी जैम, शुरू करते हैं। मैंने नाश्ता किया, उस वक्त मैंने आपकी भाभी को कहा आओ मेरे साथ नाश्ता करो, नहीं किया। अब ये देखो हाथ में पकड़ के जा रही है, चलो जल्दी आ जाओ। सो हम आपकी भाभी को यूनिवर्सिटी छोड़ने भी जा रहे हैं और थंबनेल देख के आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि हम आज क्या बना रहे हैं। तो जब आपकी भाभी आएगी तो खाएंगी पाकिस्तानी शनवारी कढ़ाई, लेकिन चिकन में। तो उसका सामान भी लेते हैं बाहर जाके, जल्दी जल्दी करो, ये ब्रेकफास्ट हो रहा है। सो गाइस, शनवारी बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है लैम्ब का फैट, ठीक है। अब वो हम ढूंढने निकले हुए लेकिन मिल नहीं रहा, और टाइम भी बड़ा लेट हो गया, आपकी भाभी को यूनिवर्सिटी जाना है। तो पहले यूनिवर्सिटी आपकी भाभी को छोड़ दें, फिर लैम्ब के फैट का कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं। इसलिए आई वॉज सेइंग ना, गेट अर्ली, गेट रेडी अर्ली, सुबह उठ के सफाइयाँ करना शुरू हो। अल्लाह हाफिज खुदा हाफिज। चलो जी हम असि निकलने हैं, जाओ 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 जाओ। सो असरा ने मुझे कहा है कि घर जाओ मामा के साथ, जो है ना फिर जाओ दुम्बे का जो है ना चर्बी ढूंढने के लिए। तो ये आइडिया अपन को पसंद नहीं आया, मैं सोच रहा हूँ कि मैं खुद ढूंढता हूँ, क्यों मामा को परेशान करें भाई, थोड़े बहुत काम मुझे खुद भी करने चाहिए। सो लेट्स गो गाइस, कब से घूम रहा हूँ इधर से उधर इधर से उधर, मुझे अभी तक नहीं मिला, लेकिन ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। तो चलो ढूंढते हैं। एक बहुत बड़ा बैरियर ये है कि जबान मुझे आ जाए ना जल्द से जल्द तो आधा काम आसान हो जाएगा। पूछ पुछा के मैं फाइनली एक जगह पहुंच गया हूँ, ये देखें इंशाल्लाह यहाँ से मिल जाएगी। जी हो, मिल गई फाइनली गाइस, आपके भाई को मिल गया फैट। देखो ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, जबान का बैरियर था लेकिन फिर भी टूटा फूटा बोल के काम चल गया। अस्सलाम वालेकुम मामा, कामयाब शुदी, घर पहुंच गया हूँ, चेंज कर ली है। और कायला बेबी भी उठ गई है, हाउ आर यू कायला खानम, हाउ आर यू, हाँ आई, हाँ यू मिस्ड मी। मैं ये जो आपको चिकन शनवारी कढ़ाई की रेसिपी बता रहा हूँ, इसमें आपने अपनी चिकन की मिकदार के हिसाब से क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर लेती है, ठीक है। मेरे पास तकरीबन आधा किलो चिकन है और मैं उसके हिसाब से रेसिपी बता रहा हूँ। आधा किलो चिकन में आपने 100 ग्राम लैम्ब फैट लेना है, मेरे पास पूरा 250 ग्राम था, मैंने उसमें से 100 ग्राम अलग कर दिया। चिकन को मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है, अब इनको छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट करेंगे। ये देखिए मैंने दो बड़े टमाटर ले लिए, इनके चार पीस करनी है। मैंने दो इसलिए लिए क्योंकि मैं टमाटो पेस्ट भी ऐड करूंगा, अगर आपके पास टमाटो पेस्ट नहीं है तो आप टमाटर को 3 से 4 लेंगे, ठीक है। मैंने सिर्फ दो लिए बड़े टमाटर, आप 3 से 4 लेंगे। दो बड़ी मिर्चें मैंने कट कर दी हैं, देख लें इस शेप में। ये मेरे पास तकरीबन 100 ग्राम लैम्ब और तकरीबन आधा किलो के करीब करीब मेरे पास चिकन है। ये मैंने एक नॉन स्टिक पैन ले लिया है और इसमें मैं अभी डालूंगा घी। एक मैंने बड़ा चम्मच जो है ना घी डाल लिया है और अभी ये थोड़ा सा जब मेल्ट होगा तो हम इसमें चिकन डाल के भुनेंगे। चिकन अब मैं चिकन अभी मैं चिकन मामा से दिलवा रहा हूँ तेल में। मैं खुद जो है ना वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता, या वीडियो रिकॉर्ड या वीडियो रिकॉर्ड करूंगा या मैं खाना बनाऊंगा, तो मैं मामा की थोड़ी थोड़ी हेल्प लेता रहूंगा। अभी मैंने चिकन दलवा ली है और अब चिकन को थोड़ा हम भुनेंगे। देखिए अभी चिकन ने हमारा जो है ना कलर चेंज कर लिया, जब चिकन हमारी कलर चेंज कर लेगी ना अच्छी तरीके से, फिर हमने जो है ना इसके अंदर अपना फैट और फैट के साथ ही नमक ऐड करना है। देखिए मेरी चिकन ने कलर चेंज किया तो मैंने साथ ही अपना फैट इसमें डाल दिया है। अब मैं इसमें एक चम्मच जो है ना नमक का डालूंगा, एक चम्मच नमक का डालेंगे हम। और अब अच्छी तरह इसकी भुनाई स्टार्ट कर देंगे। अब हम अपनी चिकन को और फैट को जो है ना
5 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक होने देंगे। ये देखें फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है, लो फ्लेम पे कुको का भी। गाइस शुक्र अल्लाह एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई अराइव होम, वल्लाही माय फेस इज लाइक आइस आइस अगेन। एंड टुडे ताहा मेड फॉर अस लंच, इंशाल्लाह इज गुड एंड टेस्टी बिकॉज आई एम हंग्री, इट्स 2 o'clock। एंड चलो हेलो लो फ्लेम पे भी ये कुको का, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? आई एम मेकिंग चिकन शिनवारी कढ़ाई। अच्छा हाँ, इंशाल्लाह यू विल लव दिस कढ़ाई। जाओ 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 चेंज करो फिर आओ, आज आपका भाई खिदमत करेगा। नो नो नो, आई एम नॉट यूजिंग एनी मसाला ना, शी हैव प्रॉब्लम विद मसाला ओनली। ये देखो मामा कायला को क्लीनिंग सिखा रही है। कायला क्लीन, वेरी गुड, गुड गर्ल। लो तकरीबन 5 मिनट लो फ्लेम पे हम कुक करेंगे और ढक्कन रख के कुक करना है। आप लोगों ने ये ढक्कन जो है ना, आपकी भाभी ने आके मुझे कोई फजूल सा दे दिया, ये तो उठ भी नहीं रहा मुझसे, अल्लाह खैर करे। देखें जी छुरी की मदद से आपके भाई ने ढक्कन उठा लिया है और थोड़ा सा हाथ भी चला लिया है अंगूठा। ये देखें हमारा सारा चिकन का पानी अब आ गया है बाहर, फैट ने भी अपना जो है ना ऑयल छोड़ दिया है। अब हम जो है ना इस कंडीशन में हम डालेंगे टमाटर, ये क्या एक, ये क्या दो, ये क्या तीन और ये क्या चौथा। 4 टमाटर के पीस मैंने डाल दिए, टोमेटो पेस्ट अभी नहीं डालूंगा, वो थोड़ी देर बाद डालूंगा और फिर से अब हम ढक देंगे इसको। अच्छा याद रहे इस प्रोसेस पे अभी तक मैंने हाई फ्लेम पे कुकिंग नहीं की है, लो फ्लेम पे ही अभी तक हम कुकिंग कर रहे हैं, हाई फ्लेम पे करेंगे लेकिन अभी नहीं। ये देखें इस फ्लेम पे मैं कुक कर रहा हूँ ढक्कन ढक के, तकरीबन 5 से 8 मिनट मजीद इसको कुक करेंगे इसी फ्लेम पे ढक्कन ढक के, फिर हम चेक करेंगे अगर हमारे टमाटर गल गए तो उनका छिलका उतार देंगे। तो देखिए अभी टमाटर ने जो है ना अपनी स्किन छोड़ दी है, वो स्किन मैंने निकाल दी है और इसको हम जो है ना निकाल दो भाई निकाल दो में रख देंगे। सारे टमाटर की स्किन हम इसी तरह, आप जो है ना आसान तरीका पता है कि आप हल्का सा प्रेस करेंगे ना तो ये देखिए खुद ही जो है ना स्किन बाहर आ जाएगी इसकी और फिर आप इस तरीके से निकाल लें। ये आसान तरीका, आपका भाई शेफ है भाई। हाँ आपका भाई शेफ है, रियली? वी विल सी। यस छिलके मैंने निकाल लिए और मैंने अभी फिर से ढक्कन ढक दिया है, 5 मिनट मजीद लो फ्लेम पे कुक करूंगा। मैं लो फ्लेम पे इसलिए कुक कर रहा हूँ कि चिकन ऐसी हो जाती है मलाई की तरह, टच करो टूट जाती है। आप इसको हाई फ्लेम पे भी कुक कर सकते हैं लेकिन साथ साथ आपको भुनता रहना पड़ेगा। हाँ भाई क्या कर रहे हो, क्यों फ्रिज में घुसी हुई हो? हाँ स्वीट खा रही है ना, मुझे भूख लग रही है। भूख लग रही है? लेट? No, yes. It's not late. Normally you are eating at 4 o'clock, huh? No, it's 2 o'clock. हाँ, today I am making, so it's late, huh? Yes. ये नहीं खाना? आहा, क्या बात है, क्या बात है, ये नहीं खाना? नहीं। वो क्या स्वीट खानी है? लतीफे? हाँ। चलो निकालो, वो निकाल लो। लतीफे? लतीफा इज नेम ना? हाँ, यस इज लतीफा। हाँ, इज जोक, यू नो इन पाकिस्तान इन उर्दू वी से लतीफा जोक। यस। अब देखें हम 5 मिनट मजीद लो फ्लेम पे कुक करने के बाद अपनी हरी मिर्चें डाल देंगे इसके अंदर सारी और अब हम इसकी भुनाई करेंगे हाई फ्लेम पे। अच्छा साथ मैंने आपको कहा था कि मैं टमाटर लेस डाल रहा हूँ इसलिए मैं टोमेटो पेस्ट यूज करूंगा तकरीबन इतना, ये 1.25 टीस्पून है, टेबल स्पून सॉरी। तमाम मैंने देखे हाई फ्लेम कर दिया और हाई फ्लेम पे ना आपकी भुनाई नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि मेरे पास नॉन स्टिक पैन है तो मुझे टेंशन नहीं है, लेकिन आप लोग अगर वो दूसरा वाला पैन यूज़ करेंगे जो नॉन स्टिक नहीं है तो आपको भुनाई नहीं रोक रही। मुझे टेंशन इसलिए नहीं कि ये नॉन स्टिक है और दूसरा ये कि अगर आप वो दूसरे पैन में इसको बनाएंगे ना तो जो इसकी हल्की हल्की से साइड पे जो जलता है ना टमाटर शमाटर और इसका अपना फैट उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। कोशिश करें आप नॉन स्टिक में ना ही बनाएं, ये नॉन स्टिक के बगैर ज़्यादा मज़ा देती है। खैर अभी मैं इसमें अपना काली मिर्च ऐड करूँगा 1 चम्मच, ये हमारी ब्लैक पेपर आ गई, ये छोटा वाला चम्मच जो है ना मैं एक पूरा डालूंगा इसमें क्योंकि ये चम्मच छोटा है।
और अब हम इस फिर से इसकी बुनाई स्टार्ट करेंगे। पानी मेरा ऑलमोस्ट सूख गया है कढ़ाई का, मतलब कढ़ाई ऑलमोस्ट रेडी है। ये देखें कढ़ाई की शक्ल ज़बरदस्त हो गई, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी अभी भी है, तो मैं मज़ीद इसको जो है ना बिल्कुल लो फ्लेम के अंदर 5 मिनट मज़ीद कुक करूँगा ढक्कन ढक के। ये मैं कर रहा हूँ इसको लो फ्लेम, ये देखें इस फ्लेम पे जो है ना मैं इसको अभी कुक करूँगा ढक्कन ढक के। हाँ कायला खानम, कायला ये देखो टीवी देख रही है, साथ साथ चिल्ला रही है, मामा को देखना है इसको, इसलिए खड़ी हो गई। ये देखो, ये देखना अभी। हाँ कायला खानम, व्हाट हैपेंड? हाँ बेटा जान, ये देखो कैसे कंट्रोल किया हुआ है खुद को। डड्डा जान, ओए ओए, चलो मामा आ गई। अच्छा मैंने लो फ्लेम पे तकरीबन 10 से 15 मिनट कुक किया और फ्लेम बंद कर दिया। अभी हम आपको ये ढक्कन उठा के दिखाते हैं, क्योंकि रेडी हो चुका है हमारा चिकन शिनवारी कढ़ाई। चेक करो, बिल्कुल ऑयल खुशक हो गया और जबरदस्त किस्म की हमारी कढ़ाई तैयार हो गई। चेक करो भाई, आहा क्या बात है, धुएं उठ रहे हैं। पहला निवाला रेडी है जी, इसमें मैंने फैट भी डाला है, चिकन भी, हरी मिर्च भी। तो बिस्मिल्लाह। मजेदार। तो आपकी भाभी से पूछते हैं कैसी। हाँ भाई बहुत मजेदार, देखो मेरी प्लेट। वाह वाह वाह, पहली बार आपकी भाभी ने जो है ना प्लेट पूरी साफ की है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। और मैं आपको दिखा दूं कि मैंने सोचा था कि बाबा के लिए भी थोड़ी सी छोड़ेंगे, उनको भी टेस्ट कराएंगे, लेकिन चेक करो, फिनिश, खाली, टाटा बाय बाय। कायला बीबी इधर सो गई है, अभी आपका भाई खाएगा केक, साथ ही घर बनते हुए देखेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी लाजम करें। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि जैसे ही हमारा न्यू ब्लॉग अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन फी अमान अल्लाह, अल्लाह ने वाले।